ऑफिशियल पब्लिक चैनल से। दोस्तों जैसे कि आप जानते हो मुमरा बाईपास आए दिन कोई ना कोई चीज को लेके सुर्खियों में बना हुआ रहता है। जैसे कि चाहे वो एक्सीडेंट को लेके बना रहा है, चाहे गाड़ी पलटी हो जाने की वजह से बना रहा है, चाहे वो लूट के मामले में बना रहा है, आए दिन कुछ ना कुछ एक हादसा होते रहता है, इसी वजह से वो सुर्खियों में रहता है। इसी तरीके से एक घटना आज हमारे सामने आई है मुमरा बाईपास पे, जो एक कैंटीनर जो है गुजरात से नावासीबा जा रहा था और वो कैंटीनर को कुछ लोगों ने रात को 3 बजे रुकाया और रुकाने के बाद में उसके ड्राइवर के साथ में एक लड़का था, उसके गले के ऊपर छुरी रख दिया उन लोगों ने और छुरी रखने के बाद में उसको लूट का मामला, मतलब हमको जितने भी पैसे है और तुम्हारे मोबाइल है सब मुझे दे दो, इस तरीके से मतलब 4 आरोपी थे, चारों जो है मतलब वो ट्रक वाले को घेर लिए, मारने लगे। और अब वक्त पे जो है एक सबसे बड़ी बात यह है कि वक्त पे वहां एक पुलिस पहुंच गई, जो मुमरा पुलिस स्टेशन के सीनियर मधुकर कर साहब है उनकी जो टीम है, उनकी टीम के अंदर से 2 कांस्टेबल वहां पहुंच गए वक्त वारदात के जगह पे। और जब देखे कि भीड़ में मतलब इतने लोग एक ट्रक वाले को रुका के और घेरे हुए हैं, तो उन लोग वहां पर पहुंचे और दौड़ा के वो चारों आरोपी को उन लोगों ने पकड़ा। तो कोई घटना इतनी लूट की, जो उन लोगों ने पैसे लिए और हर मोबाइल लिए वो उनको बरामद हो गया, मिल गया, लेकिन उनके ऊपर केस भी बना वो इस वक्त। सबसे बड़ी बात यह है कि उनके पास 2 बाइक भी थी आरोपी के पास, वो दोनों बाइक भी पकड़ी गई है, जैसे भी बाइक भी पुलिस स्टेशन में दोनों जमा है, आप देख सकते हो। ये एक तो एकदम न्यू ब्रांड बाइक है और एक जो है थोड़ी जूनी है, दोनों आप देख सकते हो कि किस तरीके से पुलिस ने ये दोनों बाइक को भी जमा की। कि ये चारों आरोपी उल्लास नगर के थे, मुमरा के नहीं थे, क्योंकि मुमरा जब बाईपास पे कोई ना कोई घटना होती है तो यही सुर्खियों में रहता है कि मुमरा के लोग थे, लेकिन ये उल्लास नगर के थे और चारों पकड़े गए हैं, अभी उनको कोर्ट में लेके जाएगा। मैं आपको सुनाता हूँ कि ये ट्रक का ड्राइवर जो है उसके साथ क्या हुआ है और क्या वो बताना चाहता है। कहाँ से आप लोग आ रहे थे, कितने बजे ये वारदात हुई आप लोग से? मैं गुजरात से आ रहा था, नवासिया ले जा रहा था कैलाश से, तो यहाँ मुमरा चढ़ते हुए मुमरा ब्रिज से 500 मीटर दूरी पे मस्जिद के पास, वहाँ पे 4 लोग आए, राइट साइड से गाड़ी जा रही थी, लोड गाड़ी है, मेरी गाड़ी खाली थी, तो मैं सोचा कि लेफ्ट साइड से निकल जाता हूँ। ठीक, इतने में आगे 4 लोग आए, मेरे सामने एक खड़ा हो गया, मुझे ऑटोमेटिक ब्रेक लेना पड़ा। तो इतने में बोलता है इसको कुछ पैसे दे, दूसरा जो लेफ्ट साइड में खड़ा था बोलता है नहीं तो मार मुड़ देगा, कुछ भी कर सकता है। तो फिर वो राइट साइड में आया, बोलता है मुझको गुटका उठका है, जो छोटी सुपारी मुझे दे दे, मैं चला जाता हूँ। तो मैं इसको अपने कंडक्टर को बोला कि इसको एक बीमल दे दे और ये चला गया। तो दूसरा वाला बोलता नहीं उसको पैसा दे, तो इतने में चढ़ा, चाकू निकाला और मेरे कंडक्टर की गर्दन पर रख दिया और उसके जेब से पैसे निकाला। कितना कितना पैसा वैसा आपसे छीना गया है? मेरे पास में 3,000 रुपये था, ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड। कितने बजे की घटना है? लगभग करीब 3:30 बजे की घटना है। ये चारों आरोपी को भी आप देखिए, इनको कोर्ट ले जाया जा रहा है। फिर एक नई न्यूज के साथ आ जाऊंगा, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।